हैं अखलाक भाई, जिन्होंने तुलसी रेलवे स्टेशन से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। अखलाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट तुलसीपुर रेलवे स्टेशन से लेकर आए हैं और तुलसीपुर रेलवे स्टेशन आ रहा है, दिखाएंगे यहाँ पर कितना काम हो गया है। हालांकि एक बात है, यहाँ पर अभी भी वायरिंग का काम नहीं पहुँचा है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रैकेट्स वगैरह हैं वो लगाने का काम कर लिया गया है। यहाँ पर देखिएगा, ये SSP बनाई जा रही है, तो SSP भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इनिशियल स्टेज में काम हो चुका है, उसके आगे थोड़ा सा ये काम बढ़ चुका है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर, जो कि NER लखनऊ जंक्शन मंडल के अंतर्गत आता है, पचपेड़वा से लेकर सुभागपुर रेलवे स्टेशन तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बाकी है। बाकी गोरखपुर से पचपेड़वा तक जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, केवल 85 किलोमीटर का जो काम है वो शेष रह गया है। दिसंबर 2022 टारगेट रखा गया है इस काम को कंप्लीट होने के लिए, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि दिसंबर 2022 तक यहाँ पर, यानी कि सुभागपुर रेलवे स्टेशन तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो सकेगा। धीमी रफ्तार से काम चल रहा है, तेजी कब आएगी कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम अगर अधिकतम टारगेट की बात करें, अधिकतम समय सीमा की, तो मार्च 2023 आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मार्च 2023 भी लग जाएगा। और रेलवे की ये कोशिश रहेगी कि मार्च 2023 तक हर हाल में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर पूरा कर लिया जाए। देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा, दिसंबर 2022 में ही काम पूरा होगा या मार्च 2023 तक, या उससे पहले या उसके बाद में। तो देख सकते हैं ड्रॉपांस वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं और अभी तक वायरिंग का काम नहीं हुआ है। पचपेड़वा से तुलसीपुर रेलवे स्टेशन के थोड़ा पहले तक, यानी कि आउटर से, यहाँ से जब हम गोरखपुर की दिशा में बढ़ेंगे तो लगभग 2 किलोमीटर पहले तक वायरिंग का काम हो रखा है, जैसा कि अखलाक भाई का कहना है। तो काफ़ी समय से लोगों की मांग थी गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट दिया जाए, तो आज आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। और आप ये मान के चलिए, बलरामपुर रेलवे स्टेशन का भी हाल आप लोगों ने देखा किस तरह का था, तो इस तरह से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कब तक काम पूरा हो सकता है या कब तक काम पूरा होने की संभावना है। तो तुलसी रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, डालीगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन से नकहा जंगल के बीच में एक ट्रेन और चलने की संभावना है, क्योंकि बढ़नी रेलवे स्टेशन पर जो नई समय सारणी लगाई गई है, तो उसमें डालीगंज नकहा जंगल पैसेंजर ट्रेन का जिक्र किया गया है, टाइमिंग नहीं जिक्र किया गया है। तो जैसे ही इससे संबंधित कोई पक्की जानकारी मिलेगी, आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल गोरखपुर तक चलने वाली ट्रेनों का जो अब संचालन है वो नकहा जंगल से शुरू कर दिया गया है, खासतौर से गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर। और वहीं अगर हम बात करें गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन से, तो देवरिया साइड की तरफ की जो ट्रेनें हैं वो वहीं से संचालित हो रही हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो बनाकर दिखाया। सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स OHE, उसके साथ जो कैंपेन कोच है और जो वायर के बंडल हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो उम्मीद यहीं की जा रही है बहुत जल्द यहाँ पर वायरिंग का काम शुरू हो सकता है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट तुलसीपुर रेलवे स्टेशन से। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।